नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी से इस वक्त अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ये मामला हल्द्वानी के हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र का है, जहां आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके चलते एक महिला भी झुलस गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी बटाईदार की है, जो खेत में बटाईदारी का काम करता है। उसकी झोपड़ी में रखा सिलेंडर अचानक फट गया, जिसकी चपेट में आने से महिला झुलस गई। आगजनी की इस घटना की सूचना पाकर पटवारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, साथ ही अब वो अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजेंगे। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा, पीड़ित को सहायता मुहैया कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 8 बजे फटा है और यहाँ पुलिस वाले भी आए थे और पटवारी जी भी आए हैं और सब लोग आए थे, पार्षद जी भी आए हैं। और कितनी लगी है चोट इसमें? चोट घरवाली मेरी हॉस्पिटल में है, भर्ती है, काफ़ी चोट आई है उसके। टाँके आए हैं, हाथ में टाँके आए हैं, कुछ मुंह पे चोट आई है और कुछ सीने पे चोट आई है उसके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर। 8 बजे की घटना है, सिलेंडर फट गया और इनकी बीबी चोट पटक लग गई है काफ़ी, और पटवारी जी आए थे, पार्षद जी आए थे और प्रशासन आया था, फायर ब्रिगेड आई थी, सब मौके पर आए थे। वो कितनी चोट लगी है उनको? चोट काफ़ी है, सीने में है, हाथ पांव में पूरा झुलस गई है। आप क्या चाहते हो? कुछ मुआवजा मिल जाए, गरीब आदमी है बेचारा। आपको कैसे पता चला? यह मैंने ही जगह दे रखी इनको। मेरा नंदन सिंह पतलिया हुआ। सुबह 8 बजे के समय हिम्मतपुर मल्ला एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वो आग बढ़ी तो सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से वहाँ रहने वाली एक महिला को चोट लगी है। जो झोपड़ी थी पूरी तरीके से खाक हो गई है। महिला को अभी सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। चूँकि ये घटना जो है वो दैवीय आपदा के अंतर्गत तो नहीं आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इनको आर्थिक सहायता हेतु हमारे यहाँ से संस्तुति चाहिए ताकि भेजी जाए। अनुमान लगाया गया है लगभग 2 लाख रुपए की क्षति प्राथमिक तौर पर की जा रही है। झोपड़ी में कुछ खाना बनाने की वजह से या कुछ वहीं के कारण की वजह से आग लगी है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। स्टेम पर हल्द्वानी के हिम्मतपुर मल्ला पे जहाँ पे सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। तमाम पूरी जो झोपड़ी है वो जल के राख हो गई है, देख सकते हैं बच्चों की कॉपी किताब तक जल के राख हो गई है, तमाम जो घर का सामान था वो जल के राख हो गया, और जो महिला है उसको भी कहीं ना कहीं चोट आई है और उसको तत्काल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। तो देख सकते हैं ये सिलेंडर के टुकड़े हैं जो यहाँ पर पड़े हैं, लगातार जिस प्रकार से यहाँ हिम्मतपुर मल्ला पे जो सिलेंडर हादसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, पटवारी यहाँ पर पहुंचा है और जो सामान का निरीक्षण कर रहा है, कितना उसको नुकसान हुआ है, कितना क्या हुआ है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरा हादसा देखा और यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया गया है। ये हमारे सामने भैया यहाँ पे थे, और भैया जिस प्रकार से यहाँ पर सिलेंडर फटा है, आपको कैसे पता है कि यहाँ पर सिलेंडर फटा है और किस तरह से आप लोगों ने बचाया? सिलेंडर तो आग लगने के बाद फटा है, क्योंकि आग पहले लग चुकी थी और आग लगने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट में पूरा सब कुछ जल चुका था, तो इसमें कुछ बचाने की संभावना नहीं थी। घर के अंदर कोई नहीं था, घर में सब लोग गए हुए थे अपने काम में, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो जब आए उनको उनकी जो इनका घर है वो आए तो उनके सिलेंडर फटने के बाद उनको चोट लग गई है, वो अभी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कितनी देर में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच गई थी? फायर ब्रिगेड 25 से 30 मिनट में आ गई थी, कॉल करने के बाद कॉल किया गया तो 25 से 30। मानते हैं आग कैसे लगी होगी? अब आग तो पता नहीं कैसे लगी, क्या पता शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है, किसी कारण लग सकती है, अब कैसे कह सकते हैं। सिलेंडर आग लगने के बाद फटा है। तो देख सकते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे लगातार हमारे द्वारा बात की जा रही है। एक भैया और इनसे बात, ये भी यहीं पर सामने रहते हैं। भैया, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सिलेंडर फटने की जो घटना हुई है, लगातार सिलेंडर फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी अवेयरनेस बरतनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये इसका जीता जागता सबूत है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक परिवार का पूरा सामान जल गया, बच्चों की कॉपी किताबें जल गई, सिलेंडर फट गए और जो झोपड़ी थी वो पूरी जल के राख हो गई, किस तरह देखते हैं? और महिला की क्या स्थिति बनी हुई है? महिला की तो अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है महिला की स्थिति। मैं सुबह अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा था तो यहाँ पर धुआं जैसा निकल रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ जलाया होगा, किसी ने कुछ कूड़ा वड़ा जलाया होगा, उसका काला धुआं निकल रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ ही देर बाद सुनने में आया कि यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है,
वो ही हुआ कि सिलेंडर के क्या कहते हैं रेगुलेटर बंद करने की हिम्मत नहीं आज जा पाई अंदर, लोग नहीं जा पहुँचे उसके अंदर, ये रहा उसके अंदर। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो सामान है लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जो झोपड़ी है झोपड़ी का हाल है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे मौका मुआयना भी किया जा रहा है, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो झोपड़ी है झोपड़ी का हाल किस तरह है, पूरी झोपड़ी जल के राख हो गई, जो सिलेंडर है वो फट गए, फटने की वजह से पूरी झोपड़ी राख हो गई है, और ये बच्चों की कॉपी किताबें हैं तो देख सकते हैं जिस तरह से बच्चों की कॉपी किताबें हैं ये कॉपी किताबें भी राख हो गई हैं, और प्रशासन से अब यही गुहार मारे कि उचित राहत राशि इन लोगों को मिल सके जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और जिस प्रकार से जो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है वहाँ पे उनको उचित इलाज मिल सके। दीपक अधिकारी, जेजेएन न्यूज के लिए हल्द्वानी। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।